दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे और मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप, ये पतंग है और ये देखिए रिंकू एक ही पतंग है जिसे मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। टेस्ट ही नहीं करने जा रहा हूँ, इवन जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है पतंगबाजी में कि अपनी खींच कैसे तेज़ करें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें ये भैया पूछते हैं कि भैया खींच अपनी तेज़ कैसे करें, तो मैक्सिमम सबका यही रिप्लाई रहता है कि पतंग उड़ाओ, खींचो, और एक ऑर्डिनरी सा एक आंसर मिलता है। हालांकि मैं भी वही करूंगा, पर उसका कुछ तरीके नया बताऊंगा, कितने डिस्टेंस में खींचनी चाहिए, कौन सी पतंग होनी चाहिए, कितना बड़ा कन्ना होना चाहिए, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि पतंगबाजी में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो खींच। अगर खींच मजबूत है तो आप अपोनेंट को कहीं भी धराशायी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे हाथ में ये देखिए पतंग, आप देख सकते हैं ये पौनी साइज़ की पतंग है, दो बाज पतंग है। और सबसे पहले इसमें जो है हम इसका कन्ना बांधेंगे, और कन्ना बांधने के लिए जो है, हालांकि मैं इस समय अभी छत पे हूँ तो छत पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसको आप जो है इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ आपने हाथ रखा है, यहाँ पर हाथ रखेंगे, यहाँ छेद करता है, इसको हल्का से रब कर लेंगे 2 से 3 बार। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छेद हो गया, तो छत पे बहुत दिक्कत नहीं होती। और अगर आप खींच की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें कन्ना जो है थोड़ा सा चौड़ा बांधिएगा, मतलब कि बहुत पास में नहीं, छोटा कन्ना नहीं बांधिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कन्ना बांधिएगा। देखिए बिल्कुल मैंने पत्ते से, ये देखिए 1 उंगल नीचे, पत्ते से ऐसे आप नाप लीजिएगा 1 उंगल अपना साइड वाला, यहाँ पर बहुत नीचे भी नहीं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी छेद हो गया है, ये देखिए। तो मैं कन्ना पहले भी एक्चुअली बांध कर रख सकता था क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन कन्ना बांधना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कन्ना कहाँ पे बांधना। अगर आप खींच की प्रैक्टिस कर रहे हो पतंग लड़ाने के लिए तो आप कहीं भी बांध सकते हैं, ऊपर नीचे जैसी हवा हो। तो छत में कितना ईजी रहता है छेद करना, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। हालाँकि छत पर कई लोग जो है तेज़ी से करते होंगे, पर आज से वो नया तरीका अपनाएँगे। हालाँकि तरीका भी बहुत पुराना है, कोई बहुत नया नहीं है, लेकिन कई चीज़ें हमको अपनी लाइफ में पहली बार पता चलती तो नहीं होती हैं। और देखिए कुछ बारीक सद्दी ली गई है, कोई मोटी सद्दी नहीं ली है। और ये देखिए हवा बहुत शानदार चल रही है, तो आज खींचने पे भी दोस्तों पतंग काफ़ी मज़ा आएगा। और इसकी मैं अभी टेपिंग नहीं करूँगा क्योंकि टेपिंग में बहुत वीडियो लेंदी हो। तो रुको जरा, सब्र करो दोस्तों। ये देखिए पतंग मैंने जैसे खींचा बिना टेपिंग के, पतंग खींचने का नतीजा। हो जाएगी तो टेपिंग का सेक्शन फिर अलग से किसी दिन रखेंगे। तो अब हमारी पतंग है देखिए दोस्तों तैयार उड़ने के लिए, और हवा बड़ी शानदार है। तो भाई ये दिखाते हैं, और ये देखिए मेरे पास ये देखिए चरखी है, ये मांझा नहीं है, ये ब्लैक मंझी सद्दी है, इसे आप चरखी, वो इसे मांझा गलती से मत समझिएगा कि मांझा से खींच रहे, मांझे से खींचने की हिम्मत और रिस्क कभी मत लीजिएगा, हाथ कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली आज खींचने का पर्पस मेरा ये भी था कि 10-12 दिन हो गए हमें जिम गए हुए, तो हम भी अपनी खींच में कितना इजाफा हुआ है ये भी हम आज अपनी टेस्ट करना चाह रहे थे। चलते हैं पतंग उड़ाते हैं। प्यारी पतंग देखिए फट गई, ये देखिए यहाँ से, और कहाँ से फटी है, जहाँ से मेजर पतंगें फटती है, देखिए यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से, दोनों जगह से पतंगें फट गई। टेपिंग इसलिए ज़रूरी है, टेपिंग की वीडियो भी मैं एक बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए टेपिंग ज़रूर करके उड़ानी चाहिए, चाहे हवा कम हो चाहे तेज़ हो। तो इसको दोस्तों जो है थोड़ा सा पतंग खूब डाउन करके अब एक सांस से खींचना है। ये पतंग की रेंज है 100 मीटर करीब, और इसे हर 10 दिन में आपको बढ़ाने। चलो अब स्टार्ट करते हैं खींच की, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए ठीक है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से अपनी छत पे या ग्राउंड से जहाँ से भी आप पतंग लड़ाते हैं वहाँ से आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। पहले 10 दिन सिर्फ 100 मीटर खींचनी है और एक सांस में खींचनी है, सांस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आप पतंग खींच रहे हैं वो पतंग आपके छत पे या जहाँ पे से भी आप पतंग उड़ा रहे हो वहाँ पट होनी चाहिए। और ऐसे ही आपको हर 10 दिन में पतंग की रेंज बढ़ानी है, 200, 300, 400, 400 से मैक्सिमम रहेगी और इसे एक सांस में खींचना है। इसके बाद आप अपनी पतंग में खींच देखिएगा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप खींच में कमज़ोर थी, अगर आप पहले खींच में कट जाते थे, तो आप अपनी खींच में परिवर्तन देखिएगा। और ये सारी खींच आपको पौनी पतंग से ही करनी है, क्योंकि पौनी पतंग ही ग्राउंड में लड़ती है। तो मैं ग्राउंड के लेवल से इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो छत का प्लेयर है कभी ना कभी ग्राउंड जाता है, तो इसलिए उसकी आदत अगर पहले से पड़ी रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके कोई भी सवाल जवाब हो मुझसे बिल्कुल बिंदास शेयर करिएगा। और मैं लाइव स्ट्रीम भी अब जल्दी करूँगा क्योंकि किसी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, तो जल्दी आपसे मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, अलविदा दोस्तों।